खबरों में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर दें आपको, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से दो अफराद जांबहक हुए हैं। जांबहक अफराद की शनाख्त 55 साल वजीर अहमद और 40 साल जफर के नाम से हुई है। फायरिंग से जांबहक अब आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मकतूलीन जौहर चौरंगी गौसिया कॉलोनी के रिहायशी थे। इसी वाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख से। शाहरुख, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब जो है वो दो अफराद को जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो जांबहक हो गए। उनकी जो शनाख्त है वो एक की नाम वजीर अहमद के नाम से हुई और एक की जफर हुसैन के नाम से हुई। वजह पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई थे, जिसके बाद पुलिस ने अभी मजीद कुछ कहने से कबल ये टारगेट है या डकैती मजाहमत का बताया जा रहा है कि डकैती मजाहमत का ये वाक्य पेश आया है। जी, पुलिस की जानिब से फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी है। शाहरुख शाह, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।